नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है? जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द लाइन दैट आई नो। तो बेसिकली नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन के लिए ना मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी। देर आर टू थिंग्स दैट विल बी रिक्वायर्ड। वन विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से इस गिवन लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये हमें नोन होगा। ठीक है, लेट्स से वो पी है। सेकेंडली एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, सेकेंडली एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम ओरिजिन ऑन लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये जो लाइन बनाई है हमने, जो परपेंडिकुलर बनाया है ओरिजिन से लेकर के इस लाइन तक का, ये कितना एंगल बना रहा है, तो टीटा हमें नोन होगा। तो हमें दो नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से इस लाइन का, गिवन लाइन का, ऑल्सो कितना एंगल वो फॉर्म कर रहा है। अगर ये दो चीजें गिवन है तो इक्वेशन देखो कैसे हो सकेगी। तो मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ अभी, जैसे दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट डी। तो अगर ध्यान से ट्राइंगल ओ ए डी में देखो, ट्राइंगल ओ ए डी, ओ ए एंड डी, ठीक है, तो cos theta is equals to OD by OA, OD by OA, OD will be acting as base and OA will be acting as, ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल में this OD line will be acting as base and this OA line will be acting as hypotenuse, right? तो cos theta will be base upon hypotenuse, which is equals to, अभी मैंने बताया कि OD लाइन, OD डिस्टेंस को हम P मान रहे हैं, तो P अपॉन cos theta, P अपॉन OA, P अपॉन OA, तो यहां से वी कैन राइट OA एज P बाय cos theta, व्हिच इज इक्वल्स टू P sec theta, राइट? OA डिस्टेंस को हम P sec theta लिख सकते हैं, P sec theta. Next we have triangle OBD देखते हैं, this is B, तो triangle OBD देखो, तो triangle OBD अगर देखोगे तो ये वाला angle 90 minus theta हो गया, this red वाला angle is 90 minus theta, तो cos 90 minus theta, cos 90 minus theta will be OD by OB, right? OD will be acting as base and this side will be acting as hypotenuse, OB will be acting as hypotenuse. तो वहां से वापस से इसको मैं P upon OB लिख सकता हूँ, और cos 90 minus theta is sin theta. तो यहां से अगर ध्यान से देखो तो OB can be written as P cosec theta, या this distance is equals to P cosec theta. राइट अब आप लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म याद होगा, अगर आप लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म याद हो तो बेसिकली ए इज एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज वाई इंटरसेप्ट, राइट? यस गाइस रिमेंबर, यस सर, वहां पे इक्वेशन क्या आती थी, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1, राइट? तो अगर मैं x upon x intercept plus y upon y intercept is equals to 1 लिखता हूँ यहाँ से, तो equation क्या हो जाएगी, x upon p sec theta plus y upon p cosec theta is equals to 1. अब यहाँ से next page पे लिख रहा हूँ, x upon p sec theta plus y upon p cosec theta is equals to 1. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x sin theta upon p प्लस वाई कॉस थीटा अपॉन पी इज इक्वल्स टू 1, और
x sine theta plus y cos theta is equals to p. तो ये जो finally form आती है ना, this is my normal form. तो देखो इसमें दो चीजें required है, एक तो p, p is the distance from origin, perpendicular distance of the line from origin, and secondly theta. Theta is the angle जो perpendicular line बना रही है, उसका sine theta और उसका cos theta. sin theta और cos theta उल्टा लिख दिया शायद. अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने. cos theta और sec theta आएगा, सॉरी cos theta और sin theta आएगा. हाँ ठीक है, x cos theta y sin theta होता है. तो ये फाइनली जो मेरे पास लाइन आएगी, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन. तो मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड है, मैं वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ जितने लेट ज्वाइन किया, ध्यान से देखो. नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन के लिए मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी. एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस सिचुएशन में, वो पी है, कैपिटल पी. सेकेंड, एंगल मेड बाई परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस. जी जो परपेंडिकुलर हमने बनाया है ओरिजिन और लाइन पे, इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना था, तो इस सिचुएशन में वो थीटा है. तो वहां से मैंने दो चीजें देखी, एक ट्रायंगल ओडीए देखा, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपरटेन्यूस, तो ओडी बाय हाइपरटेन्यूस इज ओए. ओडी को मैंने पी से रिप्लेस किया बिकॉज ओडी वाज पी, मुझे नोन था. तो ओए इज इक्वल्स टू पी बाय कॉस थीटा आ गया, या पी सेक थीटा आ गया. सिमिलरली ट्रायंगल ओबीडी देखा, ओ बी और डी देखा, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू OD बाय OB. तो वहां से cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिख लिया, OD को वापस से P रिप्लेस कर दिया, तो P बाय OB आ गया, या P इज इक्वल्स टू, या OB इज इक्वल्स टू P बाय sin थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू P cos थीटा आ गया. और ये जो B था और ये जो A था, ये बेसिकली x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट थे. तो मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म याद होनी चाहिए, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1. तो वहां से मैंने x अपॉन x इंटरसेप्ट p sec थीटा प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट p cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 यूज किया, और उसको थोड़ा सा चेंज किया, इसको cos थीटा, इसको sin थीटा में कन्वर्ट किया, p को राइट हैंड साइड ले गया, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p. ये जो फाइनल फॉर्म आई है, दिस इज माय नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, यहां पे रिमेंबर p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम origin, और theta is the inclination of perpendicular, theta is inclination of perpendicular from positive x-axis. Pratham और प्राची clear हो गया, late join किया था आप लोगों ने? Yes sir. Positive x-axis. तो ये नोट कर लो. अच्छा एक एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना कि मतलब ये नोट करने के बाद एक चीज ध्यान देना कि अगर मैंने यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर किया तो वो कितना आएगा? कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर किया तो कितना आएगा? कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या आएगा यहाँ पे? कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? कॉस थीटा. कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो वन आएगा, राइट? तो नोट ध्यान रखना बस, इसको कहीं कहीं जगह यूज हो जाता है डायरेक्टली. सर तो ये हमेशा ट्रू रहेगा? हमेशा ट्रू रहेगा नॉर्मल फॉर्म के लिए. बेसिकली ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो तुम्हें लिखा हुआ है x by 2, ठीक है, प्लस y sin theta is equals to p, तो sin theta की वैल्यू तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, रूट 3 by कितनी आ जाएगी, 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 1 by 2 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो ना इसको, तो रूट 3 by 4 आ जाएगा. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ?
छोड़ो, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा क्लियर हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना बस। नोट हो गया? यस सर। हाँ प्रणव बोलो। वो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऊपर वाले के साथ कंटिन्यू है। सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या समझा नहीं मैं सर। वो पूरा स्टेटमेंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके सर। हाँ गगन आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, वो कुछ डाउट आया था बट वो देखा वहां पे तो हो गया। अच्छा ओके। अब देखो, जैसे मान लो एक लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है x अपॉन 2 प्लस y बाय रूट 3 y बाय 2 is equals to 4। ये नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है? ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। ax plus by minus c is equals to plus c is equals to 0 दिख रहा है सबको, लाइन की इक्वेशन है। yes। तो अगर लाइन की इक्वेशन है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है? सर इसमें ये 1 by 2 और root 3 by 2 को हम राइट इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखवाया हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने 1 बाई 2 का स्क्वायर किया, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर करो, देखो ये इक्वल टू 1 आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म। यस सर आ रहा है। आ रहा है ना, तो नॉर्मल फॉर्म हो गया। अगर मान लो इसी में मैंने पूछ लिया होता कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, तो 4 हो जाता डायरेक्टली। यस सर। तो cos थीटा पूछ लेता क्या होगा यहाँ पे, तो 1 by 2 मतलब इंक्लिनेशन पूछ लेता, अगर थीटा पूछ लेता कि कितना इंक्लाइंड है तो भी डायरेक्टली निकाल सकते थे बिना स्लोप और फॉर्म में कन्वर्ट किए। यस सर। तो बस यही एडवांटेज रहता है, यही चीज, यही पॉइंट मैं बोल रहा था कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है तो आप डायरेक्टली उसको नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो। And once you compare it with normal form, तो आपको perpendicular distance from origin पता चल गया कितना है, that is equals to 4। आपको theta पता चल गया कितना है, theta कितना आ रहा है यहाँ पे? 60 degree या 5/3, ठीक है 60 degree आ रहा है, तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज, मान लो मेरे पास कोई नॉर्मल लाइन गिवन है, मतलब कोई एक लाइन गिवन है, उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब इज नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। किसी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, conversion of a line in normal form। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से आई हैव एन एग्जाम्पल 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा बाय रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मतलब इफ आई हैव अ नॉर्मल लाइन ax प्लस by इज इक्वल्स टू c या माइनस c इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे डिवाइडेड इट विथ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब x के कोफिशियंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड करो। तो डिवाइड करने के बाद इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये कितना आ रहा है, रूट ऑफ 8 या 2 रूट 2 आ रहा है,
तो अपॉन डिवीजन में टू रूट टू आपको क्या मिलेगा, एक्स बाई रूट टू माइनस वाई बाई रूट टू इज इक्वल्स टू फाइव बाई टू रूट टू। अब ये जो इक्वेशन आई है ना मेरी, अच्छा बीच में यहाँ माइनस प्लस दोनों चलता है, लाइक कॉस थीटा साइन थीटा नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि प्लस साइन ही होना चाहिए, बीच में माइनस प्लस दोनों आएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट इन विच द लाइन इज पासिंग थ्रू, तो माइनस प्लस दोनों चलेगा यहाँ पे। तो ऐसा मत जरूरी समझना कि इंटरसेप्ट की तरह नहीं है बेसिकली, इंटरसेप्ट में हमने प्लस चाहिए ही होता था बीच में, याद होगा ना। तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन आई है, दिस लाइन इज, दिस रिक्वायर्ड लाइन इज माई नॉर्मल फॉर्म। तो मुझे ये करना होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। और देखो ध्यान से, तो वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर वन हो रहा है क्या? हो रहा है ना? हो रहा है सर। तो बस हो रहा है, दैट इज व्हाई आई कैन से दैट दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ से थीटा निकालना होगा तो कितना आएगा? 45। फिर से चेक कर लो, थीटा 45 आ रहा है क्या एवरीवन? अच्छा यहाँ से एक चीज देखो बस बेटा आप लोग, कि अगर cos थीटा निकाला तो कितना आ रहा है, 1/√2, और साइन थीटा निकाला तो कितना आ रहा है, माइनस वन बाय रूट टू आ रहा है, राइट? तो कॉस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट पे जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 315 डिग्री। पाई के टर्म्स में बताओ, 2π - π/4, which is 7π/4. तो 7π/4 आएगा। सर 315 के सर 305 होगा ना वो तो। 360 - 45, 315 ही तो आएगा। हाँ सर, सॉरी। हमें ये निकालना ही नहीं है डिग्री में, हमें तो हमेशा इसमें निकालना है ना रेडियंस में। 2π - π/4 करोगे ना, तो 7π/4 आ जाएगा। तो थीटा इज नॉट 45 या थीटा इज नॉट पाई बाय 4, थीटा इज 7π/4, रिमेंबर दिस थिंग। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5/√2 होगा। यहाँ पे सिंस दोनों पॉजिटिव थे, क्योंकि साइन थीटा भी √3/2 था, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया था थीटा इज इक्वल्स टू 5/3, बट दोनों देखना, मतलब एक बस एक से कंपेयर करके नहीं हो जाएगा, दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन लिखो, ये हो गया ना नोट? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पास एक लाइन है x - y + 11 = 0, ठीक है? तो फाइंड द एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फाइंड द एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस Find the angle made by perpendicular from origin to a given line. So, बहुत simple सा
क्वेश्चन है कि एक मेरे पास लाइन गिवन है, लाइन के बाद मुझे पूछा है कि एंगल मेड बाय ओरिजिन कितना आएगा। कहाँ थे आ रहे इतने दिन से? और गलत आया है। तुम लास्ट दो लेक्चर से नहीं हो आ रहे मेरे में, मतलब बाकी मैथ्स के लेक्चर का नहीं पता। देख बच्चे पी नहीं चाहिए ना बेटा, मुझे एंगल चाहिए। सही है, राइट सर्वेश। राइट मिताली। देखो बहुत सिंपल सी चीज दी हुई है यहाँ पे कि ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 11 कर दिया मैंने, एक इस फॉर्म में लिख लिया मैंने इक्वेशन को। लेटर ऑन आप देखो कि आपसे क्या पूछे, राइट प्रणव, फाइंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ गिवन लाइन। मतलब इस गिवन लाइन से अगर मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाया इस गिवन लाइन का, तो उसका एंगल कितना होगा। बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में लिखूंगा तो वही आप एंगल पूछ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो गिवन लाइन है मेरी, अगर ओरिजिन से मैंने इस पे परपेंडिकुलर बनाया है तो ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, यही पूछा है आपसे। तो वही नॉर्मल फॉर्म में अगर लिख लो तो हो जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए अभी लास्ट उसमें मैंने बताया ना कैसे करना है, ए एक्स प्लस बी वाई अगर होता है तो रूट ऑफ ए बी से डिवाइड कर दो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर That is root of 2 से डिवाइड करो, तो root of 2 से डिवाइड करो तो x by root 2 minus y by root 2 is equals to minus 11 by root 2। तो x के साथ क्या होता है, cos theta होता है, याद है ना, x के साथ cos theta होता है, y के साथ sin theta होता है। प्रथम जब तक एंगल रेडियंस का नहीं बताओगे तब तक गलत रहेगा, क्योंकि डिग्री में आंसर में ऑप्शन में ही नहीं होगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, x cos theta plus y sin theta is equals to p, ये वेरी नॉर्मल फॉर्म है, इससे कंपेयर करो तो cos theta is equals to, सही है, 1 by root 2 and sin theta is equals to minus 1 by root 2, तो theta is equals to, cos theta positive के लिए दो एंगल आते हैं, राइट, एक pi by 4, एक 7 pi by 4, एक first quadrant में, एक fourth quadrant में, एक तो आ गया pi by 4, एक 7 pi by 4, sin theta negative इसमें से कौन से वाले angle पे होता है, 7 pi by 4 पे होता है, तो 7 pi by 4 मेरा final answer हो जाएगा। वापस से देखो क्या किया है, equation को लिखा है, उसको root of a square plus b square से divide किया है, तो normal form आ गई है, and once I have the normal form तो मुझे पता है कि जो भी angle होता है वो perpendicular का ही angle होता है, और वही पूछा था आपसे question में। तो cos theta is equals to 1 by root 2, sin theta is equals to minus 1 by root 2, theta is 7 pi by 4. अगर इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता वैल्यू एंड लेट्स से मैंने
क्वेश्चन पूछ लिया होता y माइनस x इज इक्वल टू 11, तो एंगल कितना था? पाई बाय 3। बार फिर से चेक करो मिताली, y माइनस x इज इक्वल टू 1 कर दिया, 11 कर दिया होता। अभी साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में जाता? सर 3π/4। 3π/4 आता, राइट, सही है। लेकिन वैसे भी सोचो ना, साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आना चाहिए, राइट मिताली? यस सर। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी, x और y दोनों नेगेटिव हो गए तो कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, आंसर सही आएगा। नेक्स्ट, ये समझ गया ना सबको बराबर अभी? यस सर। ओके, तस्मी आपको क्लियर है? आर्यन, गगन, हर्ष, क्लियर है? यस सर। नवीन, ओके, नाउ मूविंग ऑन। नेक्स्ट फॉर्म इज पैरामेट्रिक फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, दिस फॉर्म इज यूज्ड, मतलब एक लाइन लिख लो, दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन वी रिक्वायर, कब यूज होती है? दिस फॉर्म इज used when we require the coordinate of a point on a line which is at a particular distance, from the given point on the same line. मतलब क्या है कि दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन वी रिक्वायर द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन व्हिच इज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द सेम लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से आई हैव अ लाइन, ठीक है, आई हैव अ लाइन एंड मुझे बोला है दिस रिक्वायर टू कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। लेट्स से मुझे कोई कोऑर्डिनेट निकालना था व्हिच इज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट on the same line, मतलब let's say ये r distance पे था, मुझे इस point के coordinates निकालने x comma y and I know the coordinates of this point x naught comma y naught, तो मुझे मतलब same line पे मुझे निकालना है कि 2 units ahead distance कितना होगा या 5 units ahead distance कितना होगा, तो r मुझे पता होगा, ठीक है। तो this form is used when we require the coordinate of a point, let's say x comma y required hai mujhe, on the line which is at a particular distance from a given point, 2 unit, 5 unit,
आर गिवन है मुझे, मतलब ऑन द सेम लाइन फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस मुझे गिवन है, तो ये फॉर्म बहुत यूजफुल होती है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी आर रिक्वायर टू थिंग्स इन दिस, वी रिक्वायर टू पॉइंट इन दिस, वी रिक्वायर इन दिस, वी रिक्वायर टू इंफॉर्मेशंस, टू इन्फो पता होनी चाहिए मुझे. फर्स्टली एक पॉइंट पता होना चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए x नॉट कॉमा वाई नॉट, जहाँ से मुझे डिस्टेंस निकालना है दूसरे पॉइंट का, मतलब जहाँ से मुझे दूसरे पॉइंट, जिसके कंपैरिजन में मुझे दूसरे पॉइंट की इक्वेशन निकालनी है. सेकेंडली आपको स्लोप ऑफ लाइन पता होनी चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन पता होनी चाहिए. इफ आई नो द स्लोप ऑफ लाइन और मुझे पॉइंट पता है जहाँ से मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैं जहाँ से मुझे निकालना है कि जिस पॉइंट से एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस वो पॉइंट कितना होगा, इफ आई नो दीज टू इन्फो तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा. देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे. इतना नोट कर लिया तुमने? यस सर. तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या क्या होगा. ये तो थ्योरी हो गई. अभी जैसे मान लो एक बार पीछे ओके डन. तो जैसे मान लो मेरे पास मुझे पता है कि एंगल इज थीटा. ठीक है, मुझे x नॉट कॉमा वाई नॉट पॉइंट पता है और मुझे मतलब ये पॉइंट लेट से p है और मुझे q पॉइंट निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y है. तो देखो अगर मुझे थीटा पता है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा. अगर tan थीटा पता है मुझे तो मैं sin थीटा और cos थीटा निकाल सकता हूं, राइट? यस. अब अगर मुझे sin थीटा और cos थीटा पता चल गया और मुझे बोला है कि लेट्स से r नॉट डिस्टेंस पे आपको पॉइंट निकालना है, तो अगर आप x के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x माइनस x नॉट. देखो ध्यान से, ये x हो जाएगा और ये x नॉट है. तो अगर आपको ये बीच वाला डिस्टेंस निकालना है, ये बीच वाला बेसिकली ये बीच वाला डिस्टेंस विल बी x माइनस x नॉट, x इज इक्वल टू दी. तो ये वाला बीच वाला डिस्टेंस अगर x माइनस x नॉट हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी y माइनस y नॉट, तो बेसिकली अगर मैं ये वाला ट्राइंगल जो है P, इसको मैं R बोल रहा हूँ, अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर यहाँ पे बना रहा हूँ तो ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, ये R हो गया, ये x नॉट कॉमा वाई नॉट है, ये x कॉमा वाई है, ये मुझे निकालना है और ये एंगल थीटा है. तो बेसिकली दिस इज x माइनस x नॉट एंड दिस डिस्टेंस इज y माइनस y नॉट, ये बोल रहा हूँ मैं. यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, इसके बाद yes, y माइनस y नॉट को मैं r साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या? दिस इज लाइक दिस डिस्टेंस इज r नॉट. तो अगर मैं r नॉट इंटू साइन थीटा लिखता हूँ, साइन थीटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा विल बी y माइनस y नॉट अपॉन r नॉट. यस सर. तो अगर साइन थीटा विल बी, अगर यहाँ से साइन थीटा लिखूंगा तो y माइनस y नॉट अपॉन r नॉट आएगा, तो r नॉट इंटू साइन थीटा विल बी y माइनस y नॉट. सिमिलरली r नॉट इंटू cos थीटा विल बी x माइनस x नॉट. अगर यहाँ से cos थीटा लिखोगे तो x माइनस x नॉट अपॉन r नॉट आएगा, r नॉट को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस x नॉट इज इक्वल टू r नॉट cos थीटा, राइट? तो अब मुझे x के कोऑर्डिनेट चाहिए. अगर आई नो आई रिक्वायर द कोऑर्डिनेट ऑफ x, क्वेश्चन क्या था, मुझे x के कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट? मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x, y निकालना था. तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x विल बी x नॉट प्लस
x नॉट प्लस ये बीच वाला डिस्टेंस, बीच वाला डिस्टेंस इज x माइनस x नॉट, उसको मैं r नॉट cos थीटा लिख सकता हूँ क्या? देखो अगर आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपने बीच वाला डिस्टेंस r नॉट cos थीटा निकाल दिया है, उसमें अगर x नॉट ऐड कर दोगे, x नॉट ऐड कर दोगे तो ओरिजिन से आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा x का, राइट? एक बार बताऊं यहाँ तक क्लियर था? Yes. X not, R not cos theta. अब अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट विल बी, मतलब बेसिकली x की वैल्यू विल बी x not प्लस ये बीच वाला डिस्टेंस। अगर x not 2.3 हो गया तो आपको पता है ना कि यहाँ तक 2 यूनिट्स चल चुके हो आप। Yes, और बीच वाला R not cos theta अगर 3 आया तो x के कोऑर्डिनेट 5 हो जाएंगे ना, 2 प्लस दिस डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट उसका 5 हो जाएगा, राइट? Yes. If r not cos theta 3 आया और ये distance 2 है तो x के यहाँ का x coordinate कितना हो जाएगा? 2 plus 3 5 आ जाएगा ना? Yes sir. बस वही कर रहा हूँ कि x not plus r not cos theta. Similarly y का coordinate क्या हो जाएगा? Y not plus r not sin theta. तो बस ये आपको याद रखना है, मैं इसको question के थ्रू भी समझा देता हूँ, बट इतना आई होप्स क्लियर होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर यहाँ तक का डिस्टेंस x नॉट था और यहाँ का पॉइंट निकालना है आपको तो ये बीच वाला डिस्टेंस उसमें ऐड करोगे ना तभी आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा। और अगर यहाँ तक आपका हाइट y था और आपका ये डिस्टेंस कुछ था तो आपको यहाँ तक की हाइट निकालनी है तो आपको ये वाला हाइट प्लस ये बीच वाली हाइट ऐड करनी पड़ेगी ना, तभी आपको y का कोऑर्डिनेट मिलेगा, y मिलेगा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. Yes sir. नहीं है? देख विजय दो बार समझा दिया बेटा, कहाँ पे हो? नहीं क्लियर हुआ? What I was saying is कि ये बीच वाला डिस्टेंस is x minus x naught. x माइनस एक्स नॉट और ये हाइट वाला डिस्टेंस इज y माइनस y नॉट, ठीक है? दोनों की वैल्यू निकाल दी मैंने तो r नॉट साइन थीटा आ गया, x माइनस x नॉट, r नॉट cos थीटा आ गया, x माइनस x नॉट के इक्वल, मतलब ये वाला ट्राइंगल इधर बनाओ, r नॉट इनटू cos थीटा लो तो x माइनस x नॉट आ जाएगा, कंपोनेंट जैसे करते हो फिजिक्स में वेक्टर लेते हो, वेक्टर का कंपोनेंट करते हो, r नॉट इनटू cos थीटा इज x माइनस x नॉट बीच वाला डिस्टेंस, similarly r not into sin theta is y minus y not. अब ये origin था, origin से अगर मैं x का point, x के ये वाला coordinate निकालना चाह रहा हूँ, x coordinate निकालना चाह रहा हूँ तो that will be x not plus बीच वाला distance, that is r not cos theta. तो ये जो x point है उसका coordinate आ जाएगा x not plus ये बीच वाला distance r not cos theta. सिमिलरली ये जो y वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट विल बी y नॉट प्लस ये जितना ऊपर डिस्टेंस और चले हो दैट इज r नॉट sin थीटा, तो x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है? अच्छा एक और चीज, अगर मान लो यही सेम चीज मैं उल्टा कर रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पे P आ गया, ठीक है, ये Q था at r not distance, तो आप Q के कोऑर्डिनेट क्या लिख रहे थे? X not, इसका कोऑर्डिनेट X not comma Y not given है, तो Q के कोऑर्डिनेट हो गया X not plus r not theta आपको known है, r not cos theta comma Y not plus r not sin theta, right? अगर लेट्स से मैं r not डिस्टेंस नीचे आ रहा हूँ तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अभी ये निकलवाया ना, अगर आप डिस्टेंस आगे बढ़े हो तो q के कोऑर्डिनेट, x के q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x और y है तो x not plus r not cos theta and y not plus r not sin theta, right? ये चीज तो अभी करवा दी। मान लो मुझे r not डिस्टेंस नीचे आना था, मतलब
इंस्टेड ऑफ गोइंग अप नीचे आया हूं, तो आर के कोऑर्डिनेट्स मतलब फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x माइनस r नॉट कॉस थीटा, x नॉट माइनस r नॉट कॉस थीटा कॉमा y नॉट माइनस r नॉट साइन थीटा, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम कर रहे हो, मान लो नीचे आ जाता यहां पे, तो बेसिकली दिस x नॉट माइनस ये बीच वाला डिस्टेंस x r नॉट कॉस थीटा, r नॉट कॉस थीटा, सिमिलरली अगर y नॉट नीचे आते तो y माइनस r नॉट साइन थीटा करना पड़ता। समझ रहा हूं कि समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? एवरीवन? यस सर। यस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से रखना। कि अगर आगे बढ़ रहे हो, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो ऐड करोगे, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट भी करोगे। अच्छा एक क्वेश्चन करना कि अगर m is equals to 3 given है तो sin theta और cos theta की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। अगर किसी लाइन का स्लोप 3 given है तो sin theta और cos theta की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। राइट प्रणाम। रेज योर हैंड इसको नहीं पता, फिर डरना नहीं, पूछ लो, बता दूंगा, बस मुझे आइडिया लेना है। हाँ ओके, स्पंदन आपको नहीं पता चलेगा, ईशान आपको भी नहीं पता, प्रथम आपको भी नहीं पता। तब आप लोग क्यों बोल रहे थे कि tan theta पता होगा तो sin theta cos theta निकाल सकते हो, जब आप लोग को नहीं पता तो? मिताली, प्रथम, आर्यन, हर्ष, नवीन, अभी मैंने अभी लास्ट उस पर पूछा था ना कि अगर tan theta पता होगा तो sin theta cos theta निकाल सकते हो, तो आप लोगों ने हाँ बोला था। यहाँ tan theta is equals to 3 given है, तो ट्राइंगल बना सकते हो ना, हाइट ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो 3 by 1 हो गया, तो sin theta नहीं निकाल पाओगे यहाँ पे? Yes, निकाल सकते। Yes, sir. तो बेटा यही तो था, m अगर दिया है तो tan theta पता है, तो tan theta पता है तो sin theta cos theta निकाल दोगे ना, निकालो। स्पंदन आपको क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ओके, 3 बाय रूट 10 और 1 बाय रूट 10 आएगा। एम इज टैन थीटा, याद रखें स्लोप इज टैन थीटा। सॉरी, मान लो m अगर माइनस 2 दिया है तो tan theta sin theta cos theta बताओ।
प्रथम गलत आया, राइट प्रथम सही है। सर दोनों गलत हैं, मतलब tan theta नेगेटिव है ना, तो tan theta नेगेटिव बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के आंसर्स नहीं लिखते ना, मतलब स्लोप या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, या तो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है या तो एक्यूट एंगल बनता है, थर्ड एंगल और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज नहीं कंसीडर करते ना उसमें, तो दैट इज व्हाई गलत है। बाकी यहाँ पे कॉस थीटा माइनस वन बाई रूट फाइव आएगा और ये टू बाई रूट फाइव आएगा, याद होगा आप लोगों को मैंने बताया हुआ है ये चीज कि स्लोप या तो सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ जाता है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाता है, टैन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो स्लोप की सिचुएशन में बस दो ही क्वाड्रेंट कंसिडर करते हैं, अगर ऐसी लाइन है तो एम नेगेटिव आता है, ऐसी लाइन है तो एम पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे हम सेकेंड क्वाड्रेंट कंसिडर करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है, याद आ रहा है बताया हुआ ऐसा। मिताली प्रथम अगर आप माइनस यहाँ रखोगे ना तो मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट को अप्रोच करो, फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज नहीं लेनी होती है स्लोप में, या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वैल्यूज आएंगे, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी करवाया, ठीक है। तो ध्यान रखना बस, अगर एम नेगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, एम पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स इट। ओके अब एक्चुअल क्वेश्चन में मूव करें, ये तो मैं बस आप लोगों को साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज निकालना बता रहा था यहाँ पे। तो अश्मि आपको समझ में आ गया था? यस सर। तो अभी मुझे एक लाइन गिवन है ना, लाइन इज y माइनस x इज इक्वल टू 4 एंड आई हैव अ पॉइंट P 5,1, मुझे पॉइंट Q निकालना है और पॉइंट R निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस इज 3√2, मतलब पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, डिस्टेंस 3√2 गिवन है, तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताओ, सॉरी Q और R के कोऑर्डिनेट्स बताओ, Thank you.
सर्वेश आ गया? हाँ सर आ गया, टाइप कर। ठीक है प्रथम गलत है, राइट अस्मी। अस्मी दूसरा वाला पॉइंट भी निकालो। सही है। राइट आ रहा है। समीक्षा यहाँ टैन थीटा कितना आ रहा है? समीक्षा आप हो मीटिंग में? टैन थीटा कितना आ रहा है यहाँ पे? हर्ष आप बताओ टैन थीटा कितना आ रहा है? 45 डिग्री आ रहा है, पाई बाय 4 आ रहा है। ठीक है तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ रहा है बेसिकली। तो अगर यहाँ पे स्लोप वन आ गया, स्लोप वन आने का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो बेसिकली हमें क्या करना है, q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x plus r नॉट cos थीटा। यस सर। तो x इज 5, r नॉट इज 3√2 into cos 45 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2। यस Eight. तो q का x कोऑर्डिनेट 8 आ जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, y plus r naught sin theta। तो y is 1 plus 3√2 into 1/√2, तो 4 आ जाएगा। तो 8, 4 q के पॉइंट्स आ गए। प्रथम समझा क्या कर रहे थे आप, क्या गलत कर रहे थे? हाँ सर समझ गया। सिमिलरली अगर r निकालना होगा तो r निकालो जल्दी से, प्रणव सही है। आर के लिए क्या करोगे भाई, बीच में माइनस साइन आ जाएगा। तो 5 - 3 विल बी 2 एंड 1 - 3 विल बी -2। तो 2, -2 एंड 8, 4। ये सबको समझ गया था ये क्वेश्चन? यस सर। समीक्षा आपको क्लियर हुआ? क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम 2, 3। अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम 2, 3 एंड इन inclined at 30 degree with x-axis. Axis. Which is inclined at 30 degree with x-axis.
find coordinates of two points on the line. Find coordinates of points on the line which are at a distance of four units from P. इसको P point बोला है. A straight line is drawn from point P, which is inclined at 30 degree with x axis. Then आपसे पूछा है find the coordinates of points on the line which are at a distance of 4 units from P. तो निकालो एक बार. Which is at a distance of 4 units from P. ये तो ओरल आंसर आना चाहिए, जल्दी बताओ. सही है सर्वेश, प्रणाम गलत है. प्रणव आपको cos 30 sin 30 की वैल्यू नहीं पता. इसलिए गलत है. अश्विन कुछ गलत आया है, चेक करना. प्रणव अभी सही है. इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखो एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स 2.3 दिए, इससे 4 यूनिट कॉस 30 डिग्री पे ये वाला पॉइंट निकालना है. तो क्या हो जाएगा, क्यू के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 2 प्लस 4 कॉस 30 एंड 3 प्लस 4 साइन 30. ये हो गया. सिमिलरली आर के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. आर के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 2 माइनस 4 कॉस 30 इंटू 2 माइनस 4 साइन 30. आंसर आ गया. इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोगों को?
तो 2 प्लस 4 cos 30 कितना हो जाएगा? cos 30 is root 3 by 2. तो 2 root 3. और sin 30 is 1 by 2. तो 5. Similarly, यहां से आ जाएगा 2 minus 2 root 3 और 2 minus 3 आएगा. 3 minus 2, 1. आंसर आ गया. समझा सबको क्या कर रहा हूँ? Yes, और कैसे तेजी तेज तेज करना है, ऐसा स्लो स्लो मत रहो. तुरंत Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखो, x plus r naught cos theta, y plus r naught sin theta. और r पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखो, x plus x minus r naught cos theta, y minus r naught sin theta. और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बस तुरंत आंसर निकलेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a line joining 2,0 and 3,1. A line joining 2,0 and 3,1 is rotated 15 degree about A. About point A. Hardik Vijay, bolo. In anti-clockwise direction. Anti-clockwise, clockwise ka dhyan rakhna. Find equation of new line. Second, if B goes through C. मतलब B point को जब rotate किया तो वो C point पे पहुंच गया. If B goes to C, find coordinate of C. वो इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन लिखा है ना? हाँ. हाँ सही है सर्वेश. मेन तो वो पॉइंट निकालो. I'm assuming कि आपने x miss किया है, but ठीक है.
ओके सर. मतलब वो हो जाता है टाइप करते करते, बट सही आंसर. नहीं प्रणव, 1 - 3√3 राइट हैंड साइड पे कुछ गलत आ रहा है. सर्विस पॉइंट आ गया. हाँ सर आ गया, टाइप कर रहा हूँ. ठीक है. देखो इधर सब लोग, मुझे मुझे दिया है कि ए बी कोई पॉइंट रहा होगा, उसको 15 डिग्री रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नया पॉइंट सी हो गया अबाउट ए रोटेट किया है. ठीक है, तो 2 + 1/√2 √6/2 √6/2 √6/2 हाँ ठीक है सही है. ईशान पहला पॉइंट गलत आया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट गलत आया. तो देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मुझे पहले तो इस लाइन का स्लोप निकालोगे अगर, तो x2 - x1/y2 - y1 करोगे तो ये आपको 45 डिग्री मिल जाएगा, राइट. तो यू हैव इनिशियली 45 डिग्री और उसको आपने 15 डिग्री रोटेट किया है, तो नया थीटा विल बी 60 डिग्री, तो नया टैन थीटा विल बी √3. टैन 60 करोगे तो √3 आ जाएगा और आपको एक पॉइंट पता जहाँ से वो पास हो रहा है, तो y - 0 is equals to √3 x - 2. यहाँ से अगर इक्वेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगी, y - √3x + 2√3 = 0. ये इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन आ गई, क्योंकि आपको एक पॉइंट पता है जहाँ से वो पास हो रहा है और आपको एंगल पता चल गया, 60 डिग्री हो गया. इनिशियली 45 डिग्री था, 15 डिग्री आपने रोटेट किया तो 60 डिग्री हो गया. तो वंस यू नो द स्लोप √3 आ गया, तो y - 0 y - y1 = m × x - x1. सिंप्लीफाई किया इक्वेशन आ गई. नाउ यू नो दैट ab डिस्टेंस कितना है, √2 है, राइट. ए बी डिस्टेंस कैसे करोगे, 3 - 2 का स्क्वायर which is 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, दैट इज √2. ए बी डिस्टेंस भी √2 ही होगा. ठीक है, एक एक कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, बीच वाला एंगल पता है, स्लोप पता है, तो आप सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, x + r0 √2 × cos θ, 0 + r0 × sin θ, sin 60. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2 + √2 cos 60 कितना होता है, 1/2. तो 2 + √2/2 ये आ गया, और √2 sin 60 कितना होता है, √3/2, तो √6/2 ये आ गया सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट. ये समझाना कि ये कैसे किया मैंने, एवरीवन. हाँ गगन कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेट्स रूट में हो सकते हैं ना, यही आ रहा था गगन. बाकी लोग समझ में आया क्या किया है मैंने? यस सर. इज देयर एनीवन जिसको नहीं क्लियर है ये क्वेश्चन? बेटा विदाउट हेजिटेशन पूछ लेना, नहीं तो आगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था, जैसे अभी तक कर रहे थे बस वही सारे स्टेप्स किए. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 adjacent
vertex of a square is 1, 2 and -2, -6, then find the coordinate of other two vertex, then find coordinates of other two vertex. बाकी दोनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो. मैंने कोऑर्डिनेट्स -2, -6 लिखा है, -2, -6 नहीं. ओके सर.
कैसे निकालेंगे बेटा, कोई बता दे, कोई ब्रीफ करो। सर ये लाइन का स्लोप निकालेंगे और फिर उसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल लेंगे। सर ए बी की साइड लेंगे। हाँ देखो, अगर आप स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे, ठीक है, पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है इसमें ना। अच्छा नहीं, पॉइंट निकालना है, ठीक है, सॉरी। हाँ सर ए बी तो निकालना है। हाँ ए बी डिस्टेंस ना आप बोलो। हाँ सर डिस्टेंस, डिस्टेंस 5 आ गया। चलो यहाँ पे भी डिस्टेंस 5 आ गया, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, तो अगर 5 पता चल गया, एम ऑफ ए बी पता चल गया, तो एम ऑफ ए सी निकाल सकते हो आप, एम ऑफ बी सी निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो एम ऑफ ए बी कितना आया है? -4/3। तो एम ऑफ बी सी कितना हो गया? 3/4 हो गया। यस सर। तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा 3/4 हुआ, तो sin थीटा कितना हो जाएगा? राइट यहां तक सबको समझा? ए बी डिस्टेंस निकाला वो 5 आया, तो सिंस स्क्वायर है तो सारे साइड्स 5 ही यूनिट्स पे होंगे, ठीक है, वो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद फिर एम ऑफ ए बी निकाला, क्योंकि सारे स्क्वायर्स 90 डिग्री पे होते हैं, तो एम ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ बी सी इज इक्वल टू -1, वहां से एम ऑफ बी सी इज इक्वल टू 3/4 आ गया। tan theta, m of bc और m of ad parallel होंगे क्या? एक ही होंगे, bc is parallel to ad, square के दो sides तो parallel होते हैं ना एक दूसरे से, तो वहां से I got tan theta is equals to 3/4, तो वहां से sin theta cos theta निकाल दिया। यहां तक सबको समझा? Yes sir। ठीक है, तो अभी point c क्या हो जाएगा? C will be 1x plus r naught cos theta, 5 into cos theta plus क्या कहते हैं y plus r naught sin theta, 5 sin theta, which is equals to 1 plus 4 by 5, 5 आ गया, और 2 plus 3 by 5, 3 से 3, 5 cancel, 5 cancel out हो गया, 2 plus 3, 5 comma 5 आ गया, right? Similarly अगर d point निकालना होगा तो d point के लिए क्या करोगे? a से distance निकाल लो, तो -2 plus 5 cos theta and 6 plus 5 sin theta, तो value बताओ d की। -2 plus 5 cos theta, 5 cos theta will be 4, तो 2 आ जाएगा, और 6 plus 3, 9। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि जरूरी है कि ट्रायंगल ऊपर ही जाए स्क्वायर? ऐसे भी नीचे भी तो बन सकता है, बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है सर। सी डैश एंड डी डैश, तो सी डैश और डी डैश बताओ कितना आ रहा है? यही सेम चीज माइनस कर लो ना, तो 1 - 5 करोगे तो -4। पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। हाँ मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे ना, तो 1 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा बस, तो -4 करोगे तो -3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 - 3 तो -1 आ जाएगा। देखो सी डैश के कोऑर्डिनेट यही है, बस ये बीच में माइनस साइन सब्स्टिट्यूट कर दो, और यहाँ पे भी तो -2 - 4 - 6, और यहाँ पे करोगे तो 6 - 3, 3। ये 4 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, सी के 2 वैल्यूज आ रही हैं, डी की 2 वैल्यूज आ रही है। सर्वेश ये कंसिडरेशन में नहीं लिया था राइट? सर लिया था सर, मैंने मैसेज नहीं डाला। अच्छा मैसेज डाला है, हाँ तो ये ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन करें, ये सबको समझ में आ गया ना क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर। आज वाला टॉपिक कैसे यूज हो रहा है वो ध्यान से रखना। ऐसे तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बट देखो कैसे, अगर मुझे एंगल पता है और डिस्टेंस पता है तो कैसे डायरेक्टली x0 + r0 cos theta, x0 + r0 sin theta, y0 + r0 sin theta करके मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज,
कि आई हैव अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है मेरे पास जिसमें एक एक कॉर्नर दिया है टू कॉमा, एक वर्टेक्स दिया है 2,1 और सेंटर दिया है 0,0. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड बी सी एंड डी. एक ए वर्टेक्स दिया हुआ है, एक सेंटर दिया हुआ है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी एंड डी. सीके कोऑर्डिनेट्स तो ओरली निकल रहे हैं, जल्दी बताओ. सर आपने लास्ट में क्या बोला? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बीसी एंड डी. ओके सर. तन्वी आपने आज ही ज्वाइन किया? नहीं सर, कल. अच्छा कल ज्वाइन किया, कल वाले लेक्चर में लेकिन आप नहीं थे ना. अच्छा कल मेरा लेक्चर नहीं रहा होगा. सुबह और सर दो बार था आपका लेक्चर, था दो बार लेक्चर था कल मेरा. एक एनसीईआरटी वाला था शायद मॉर्निंग में. अच्छा अच्छा हाँ एनसीईआरटी वाले में आप थे वो मुझे याद है. इवनिंग वाले में भी आप थे क्या? मुझे याद नहीं है. ओके ओके. यहाँ पे देखो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या एवरीवन? यस सर. मेरा इमेज दिख रहा है ना आप लोगों को, 0,0 से पास हो रहा है तो -2,-1 हो जाएगा. यस सर. तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से पता चल गया -2,-1. या डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो क्योंकि दिस विल बी मिड पॉइंट, तो आप वहां से भी निकाल सकते हो. 2 प्लस इसके कोऑर्डिनेट को h ले लो इज इक्वल्स टू 2 प्लस h डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, तो वहां से h इज इक्वल्स टू -2 एंड k इज इक्वल्स टू -1 निकाल सकते हो वैसे भी. तो सी पॉइंट आ गया. अभी बी और डी कैसे निकालेंगे? सर डी तो देख के -2,1 आ जाएगा. नहीं ऐसा देख करके नहीं सर. हाँ ये स्क्वायर का साइड डायगोनल बाय रूट 2 होगा. सर्वेश देख करके कैसे निकाल रहे हो? -2,1 हो जाएगा सर. -2 डिस्टेंस लेफ्ट साइड जाएगा और 1 डिस्टेंस. अच्छा डी डिस्टेंस बोल रहे हो. -1,2 बोल रहे हो. -2,1 नहीं तो फिर तुम उस सिचुएशन में वो ले रहे हो ना कि मतलब हो सकता है ये स्क्वायर थोड़ा टिल्टेड हो, जरूरी नहीं है ना कि सीधा हो. तुमने तो उस सिचुएशन में जनरलाइज कर दिया ना. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है स्क्वायर ऐसा हो, टिल्टेड हो, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ऐसा ही हो. सही से निकालो, वैल्यूज डिफरेंट आएंगे. कोई और कुछ कह रहा था क्या? हाँ प्रथम सर, इसमें सी वाले पॉइंट को निकालने के लिए अगर हम एक्सटर्नल रिलेशन लगाएंगे तो अलग आएगा. सॉरी मैं नहीं समझा बेटा, आप क्या कह रहे हो? डी वाले पॉइंट को निकालने के लिए? डी वाले को नहीं सर, सी वाले को. मतलब दूसरा मैंने लगाया था तो सी वाला पॉइंट हमेशा यही आएगा. दो ही तरीके से निकाल सकते हो, तो मिरर इमेज निकालो या तो फिर मिड पॉइंट यूज करो. सी वाले कोऑर्डिनेट्स यही आएंगे. M of AC कितना आ रहा है सर्वेश? हाँ सर 1/2 आ रहा है. M of BD कितना आएगा?
2 अब अगर tan थीटा माइनस 2 है तो sin थीटा कितना आएगा और cos थीटा कितना आएगा? ऑलरेडी करवा चुका हूँ तो ये वैल्यूज आती है, तो अगर बी की कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? माइनस टू प्लस ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, एसी डिस्टेंस कितनी आ रही है? मॉडल एसी डिस्टेंस AC distance कितना आ रहा है? 2√10 2√10 आ रहा है, तो basically ये √10 हो जाएगा क्या? और ये भी √10 हो जाएगा। नहीं √10 नहीं होगा, कितना आएगा ये? a square plus a square is equals to 2√10 मतलब 200। कैसे निकालते हो? देखो ये a हो गया, ये a हो गया, हाँ 2√5 आएगा। ये मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी लोगों को भी क्लियर होना चाहिए, ये डिस्टेंस निकाल दिया 2√10 हो गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद फिर ध्यान से देखो तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, मतलब पाइथागोरस अप्लाई करो तो a² + a² इज इक्वल्स टू 2√10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2a² is equals to 4 × 10 which is equals to 2 × 10 = 20, a is equals to √20 which is 2√5। तो यहाँ से 2√5 आ गया। तो ये डिस्टेंस अगर 2√5 आ गया तो 2√5 × cos θ, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट -5 - 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बी कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 0 नहीं आएगा, √5 √5 कैंसिल आउट हो रहा है, -2 - -2। एक मिनट मैंने ये वाला लाइन निकाला है ना, ये वाला tan थीटा निकाला है अभी, मुझे एंगल बिटवीन सी एंड डी चाहिए ना, मुझे पहले बेसिकली ये वाली लाइन का एंगल मुझे पता चल चुका है, मुझे ये वाली लाइन का एंगल चाहिए ना, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, तब ना मैं सही से प्रोसीड कर पाऊंगा। जीरो से निकाल सकता हूँ ना, जीरो से देखो ये वाला डिस्टेंस मुझे, मतलब एक पॉइंट पता होना चाहिए ना, एक पॉइंट पता है और ये वाला एंगल मुझे पता है। जीरो से मान के चलो कि मतलब 0,0 से ये एंगल मुझे पता है, तो ये वाला एंगल भी मुझे पता है ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir। तो वहां से मैं निकाल सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सी पॉइंट से नहीं ऐड कर सकता ना। देखो जो बेसिक पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है कि एक पॉइंट पता होना चाहिए और उसी लाइन पे एक और पॉइंट पता होना चाहिए, तो ये BD लाइन पे मुझे एक ही पॉइंट पता है 0,0, तो जो भी डिस्टेंस निकालोगे वो इसी लाइन के थ्रू निकालोगे, तो B कोऑर्डिनेट विल बी, या बेसिकली D कोऑर्डिनेट विल बी कितना आ जाएगा, पहले तो B कोऑर्डिनेट निकालते हैं। निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस सबसे पहले तो OB distance will be equal to OD distance, that will be equal to √5। ध्यान से देखो, OB distance and OD distance will be equal to √5।
कुछ बैठने का मौका है तो प्रणव म्यूट कर लो। टू रूट फाइव प्रथम मुझे पता नहीं क्या लग रहा है, टू रूट टेन कैलकुलेशन कुछ गलत हुई है। टू टू एंड टू फोर, हाँ डायगनल टू रूट फाइव आ रहा है, मुझे भी यही फील आ रहा है कुछ गलत किया है किसी ने। यहाँ पे टू रूट टेन आप ही लोगों ने बताया। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लेक्चर में होल्ड कर रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करना एंड असाइनमेंट नोट कर लो, मैं लिख भी रहा हूँ। स्टेट लेवल एक्सरसाइज मैं 30 क्वेश्चन तक दे दिया था, राइट 34 तक, 42 क्वेश्चन नंबर स्टेट लेवल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 42 तक, फिर आर्काइव्स, स्टेट आर्काइव्स ही मतलब उसी के आगे जस्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 25। ठीक है, ये आपको कब सबमिट करना है, ऐसा नहीं अभी आप लोग का सैटरडे संडे पेपर है तो सबमिट दिस बाय मंडे या ट्यूसडे, जब भी मेरा लेक्चर पढ़ रहा है मंडे और ट्यूसडे। बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिंपल क्वेश्चंस होंगे, मंडे और ट्यूसडे जब भी मेरा लेक्चर पड़ेगा उसके जस्ट पहले यू हैव टू सबमिट दिस स्टेट लेवल एक्सरसाइज और उसी के आगे स्टेट लेवल आर्काइव है। ठीक है, और ये क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करना एक बार, नेक्स्ट सेशन में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसी क्वेश्चन को रीसॉल्व करूंगा। चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रथम मैंने बताया कि ये क्वेश्चन को बाद में कंटिन्यू करूंगा एंड सम सॉल्व दिस असाइनमेंट्स। ओके सर।